पार्टी के जो लीडरशिप है, जो परिवार है, गांधी परिवार, जब वो ही अपने स्वार्थ के लिए काम करता है तो उस पार्टी का दूसरा कार्यकर्ता क्यों नहीं अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा। कांग्रेस के डीएनए के अंदर है स्वार्थ और षड्यंत्र, ये बार बार बाड़े में चले जाते हैं। कितनी बार ये राजस्थान की सरकार बाड़े में चली जाती है, छुप जाती है, घेर लेती है अपने आप को पुलिस से। इनमें फूट पड़ी तो स्वार्थ के लिए, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मुझे चाहिए मुख्यमंत्री पद। उसके बाद जब दूसरा हुआ, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं नहीं हटूंगा मुख्यमंत्री। देखिए, ये चार दिन की बात नहीं है, ये 3.5 साल से राजस्थान में चल रहा है। ये 4 दिन में तो मंच पर आ गया है पूरा, नहीं तो पर्दे के पीछे चल रहा था और पूरा राजस्थान जानता था। लेकिन जिस पार्टी के अंदर, जो पार्टी के जो लीडरशिप है, जो परिवार है, गांधी परिवार, जब वो ही अपने स्वार्थ के लिए काम करता है तो उस पार्टी का दूसरा कार्यकर्ता क्यों नहीं अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा। ये खुद के लिए तो इनके कानून अलग चलते हैं, दूसरों से ये उम्मीद अलग रखते हैं, और लगातार इन्होंने ये जो कहते हैं ना कि षड्यंत्र की राजनीति, ये तो इनकी रेड बुक में कोड ऑफ कंडक्ट जो है कांग्रेस के पार्टी का, उसमें है, षड्यंत्र रचते रहिए लगातार। जमाना बस बदल गया है, सेवा भाव का आ गया है, उससे ये बहुत परे है और इसीलिए इनका अस्तित्व हर राज्य से खत्म होता जा रहा है। तो ये ड्रामा 4 दिन का नहीं है, लगातार हो रहा है। पार्टी की लीडरशिप अपने लिए अलग कानून बनाती है और दूसरों को एक्सपेक्ट करती है कि दूसरे कानून पर चले, ऐसा संभव हो क्या? कांग्रेस के डीएनए के अंदर है स्वार्थ और षड्यंत्र, तो उससे अलग कहां है, वैसा ही करा जैसा सीखते आए। दुख इस बात का है कि इसमें राजस्थान पिस रहा है, राजस्थान की जनता, गरीब, यूथ, किसान, महिला, हर तरह से पीड़ित हैं। आज दुख इस बात का है, ये बार बार बाड़े में चले जाते हैं। कितनी बार ये राजस्थान की सरकार बाड़े में चली जाती है, छुप जाती है, घेर लेती है अपने आप को पुलिस से, और जो इनकी इंटेलिजेंस है वो जनता के लिए काम नहीं करती, राजस्थान के हित के लिए काम नहीं करती, यही काम करती है कौन किससे बात कर रहा है। तो क्या एक्सपेक्ट करा जा सकता है इससे? अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ, एमएलए के साइड होके रिजाइन करने लगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी से सिचुएशन के लिए माफी मांगी। अशोक गहलोत जैसे शार्प पॉलिटिशियन, आपको लगता है कि उनका यह कहना कि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है? देखिए, उनके भीतर क्या हो रहा है मुझे उससे बिल्कुल वो नहीं है, मतलब नहीं है। मुझे राजस्थान से मतलब है, राजस्थान को इन्होंने अनदेखा कर रखा है। पहले षड्यंत्र हुआ, अगर इस इनमें फूट पड़ी तो स्वार्थ के लिए, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मुझे चाहिए मुख्यमंत्री पद। उसके बाद जब दूसरा हुआ, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं नहीं हटूंगा मुख्यमंत्री से। आज इनकी पार्टी के हाल ये हो गई है, जिसके लिए खुद जिम्मेदार है।